हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। और जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट रखा हुआ है, ये कलरिंग बुक है जो बिलो 5 ईयर्स के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। और यूज़फुल कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देख रहे हो कि इनिशियली बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग के लिए कैसे इंकरेज कर सकते हैं कलर्स के थ्रू, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कलर्स विथ शेप्स। जैसे ये फ्रूट्स हैं तो बच्चों को जितना हम ये अट्रैक्ट करेंगे कलर्स से, वो और ज़्यादा ही उनको इंकरेजमेंट मिलेगा और ज़्यादा वो एन्जॉय करेंगे। जैसे ये कलर्स हैं, सॉलिड कलर्स हैं, तो वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उनको ज़्यादा यूज़फुल भी होगा। और वो ये सारे जितने भी फिशेज हैं वगैरह, जैसे डॉल्फिन है, तो वो पहचान भी लेंगे उन सबको, तो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है ये प्रोडक्ट। तो इसको कलर कैसे करेंगे, और ये कलर करने के पहले मैं कुछ बेसिक टिप्स देना चाहता हूँ कि जब भी आप फर्स्ट डे या फिर जब भी आप पहली बार अगर किसी बच्चों को आप बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ बेसिक टिप्स होता है, वो मैं आज बताता हूँ आपको। तो एक ड्राइंग बुक लें और पेंसिल, जैसे मैंने आपको बताया था कि 4B हो, 6B हो, जैसे आप देख रहे हो ये फेबर कैसल का 6B पेंसिल है, क्योंकि वो थोड़ा स्मूथ चलने के लिए। तो अभी क्या है कि जब भी हम ये कलर करते हैं इसमें, तो इसमें आप बाउंड्रीज होते हैं, तो बाउंड्रीज में इनिशियली बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है कि वो जो बाउंड्री है वो उनको समझ नहीं पाते। तो उनको समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे ये आप देख सकते हो कि एक बड़ी बुक है, तो इसमें इनिशियली बच्चों को समझ नहीं आता कि ये बाउंड्री किधर है। ये जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे उनको ये उतना कंट्रोल नहीं होता है कि ये इसके अंदर रखना है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ये खुद का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए पहले बच्चों का जो पेंसिल होल्ड करने का तरीका है, पहले उसको आप करेक्ट करेंगे कि बहुत सारे बच्चे यहाँ से पकड़ते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे पकड़ते हैं, तो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, उनका पहले कंफर्ट लेवल देखें कि वो कैसे पेंसिल पकड़ते हैं, उनका कंफर्ट क्या है। अगर वो उस चीज़ों को अच्छे से रन कर पाते तो अच्छा है, नहीं तो फिर आप कोशिश करें कि आप यहाँ से पकड़ें। और उसके बाद जो दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो है कि वो जैसे कि पेपर पे अगर वो हैंड को रख देते हैं तो बहुत लिमिटेशंस हो जाते हैं उसमें, क्योंकि वो उनका हैंड जो होता है फ्री नहीं होता है। और इनिशियली वो सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है, तो इसके लिए भी मैंने कुछ ट्यूटोरियल बताए हैं, तो आज मैं ये भी बता रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो एक सर्कल बनाना हो तो इतना छोटा ही बनेगा। अब वही चीज़ में अगर हैंड को उठा के रखता हूँ मैं, तो कितना बड़ा भी सर्कल बन सकता है और जो भी चाहूँ मैं वो ड्रॉ कर सकता हूँ फ्री फ्लो। और ये सारी चीज़ें, ये कॉन्फिडेंट स्ट्रोक नहीं आता है, तो इनिशियली बच्चों को जानना चाहिए। और इसके लिए भी एक और एंगल से मैं आपको बताता हूँ कि पेंसिल को कैसे होल्ड करें। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये मैंने यहाँ पे हैंड को रखा हुआ है, यहाँ रखने से ये लिमिटेशन आ जाती है कि मेरा हैंड जो है वो फ्लो नहीं हो पाता अच्छे से। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बच्चों को अगर उनको होल्ड भी करना है एक बैलेंस के लिए, तो यहाँ पे फिंगर को हल्का टच कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे मुझे सर्कल बनाना है हैंड से, तो मैं अगर फिंगर से अगर सर्कल बनाता हूँ तो वो ऑटोमेटिक ये वाला सर्कल मेरा अच्छे से बनता है। और ये फ्लो होना ज़रूरी है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि इसमें जब आपको कोई चीज़, आपको ये आउटलाइन है उसको अगर अंदर आपको ड्रॉ करना है तो ये कमांड होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर ऐसे आएगा बच्चों का, जनरली ऐसे ऐसे आता है, तो फिर ये जो उनको पहचानने में दिक्कत होती है ये, तो वो जनरली वो ऐसे करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उनको हैंड जो है वो फ्री रखें। तो अब जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो इसके अंदर हम कैसे कलर करेंगे और कौन कौन से मीडियम कर सकते हैं वो भी बताता हूँ मैं, कि जो इसमें कई सारे मीडियम है, जैसे प्लास्टिक क्रेयॉन्स के बारे में बताया था आपको, तो वो है, और स्केच पेन भी है, और कलर पेंसिल भी है। तो कलर पेंसिल से भी आप कर सकते हैं इसको। इसको जब भी आप बताएं कलर करने के लिए, तो सबसे पहले उसके एजेस को, उसकी बाउंड्री को है, उसको आप कवर करा लें। कवर करा लेने से उनका जो वो बाहर नहीं जाता है, उनमें उतना परफेक्शन तो नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करेंगे उनका जो
ग्रिप है वो अच्छा बनेगा, और ये आउटलाइन जो है उसके अंदर ही उनको ज़्यादा से ज़्यादा करें, इनकरेज करें कि इसके अंदर ही रखना है, नहीं तो इनिशियली वो बाहर जाता है। ये करने के बाद फिर आपका स्केच पेन भी है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे तो प्लास्टिक क्रेयॉन्स भी हैं। ये सब कलर्स करके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे ये है, इसमें आप ये डिफरेंट शेड है ग्रीन का, फिर भी जैसे जैसे ये पिक्चर को है वैसे वैसे फॉलो करा सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप वाटर कलर से भी चाहें तो वाटर कलर से भी बच्चे इसको कर सकते हैं। इसके लिए जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था कि पेंसिल पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है, अगर पेंसिल पे जब तक कमांड नहीं होगा तब तक वो ना तो ब्रश अच्छे से चला पाएंगे, ना ही प्लास्टिक क्रेयॉन्स, ना ही स्केच पेन। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको उसमें वार्म अप कराएं, और वार्म अप कराने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, एक सीरीज़ बनाया हुआ है उसके लिए, तो वो चीज़ें बच्चों को ज़रूर दिखाएं जिसमें मैंने बेसिक शेप से बताया है कि आगे की ड्राइंग कैसे ले जाते हैं। तो ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो उसका लिंक भी डाल दूंगा मैं। तो ये सबको कमांड करने के लिए आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि आउटलाइन करने के बाद फिर इसको पेंट करें। तो कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, तो ये जैसे आप देख रहे हो। इसके अलावा ऑयल पेस्टल भी बहुत ही फेमस है बच्चों के बीच में, तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको, तो इसके बारे में आपको बताऊँगा कि कैसे यूज़ कर पाएँ, क्योंकि इसका जो पेंसिल की तरह नहीं होता, इसका जो नोक कहते हुआ वो उसकी तरह नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक क्रेयॉन्स है इसमें आपको शार्पन मिलता है, वो नहीं मिलती है इसमें। या तो आप इसको शार्पन कीजिए, या फिर इसको ही आप कैसे यूज़ कर सकते हैं एजेस को फिल करने के लिए, जैसे ये प्रोडक्ट जैसे यहाँ पे दिखा हुआ, इसको कैसे कलर करेंगे। तो ये कलर लिया मैंने, तो इसके एजेस, सबसे पहले इसके एजेस को, ये आप पॉइंट देख रहे हैं, तो उस पॉइंट से हम उसका पहले आउटलाइन करेंगे। एक बार आउटलाइन कर लेने से उसके बाद अंदर का हम बहुत इजीली उसको फिल कर सकते हैं। तो इसके बारे में इनिशियली आपको बेसिक नॉलेज देने पड़ेंगे बच्चों को, क्योंकि जैसे जैसे आप स्टार्टिंग में आप उनको बताएंगे वही चीज़ कैरी फॉरवर्ड होगी। तो ये अच्छे से फिल होके भी आएगा, फिर बच्चे अपना प्ले कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसे जैसे चाहें वैसे, जिस तरह से चाहें वैसे वो उसको प्ले कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक टेक्निक्स मैंने बताए हैं कैसे बच्चों की ड्राइंग इम्प्रूव करें, और साथ साथ उनमें एक अट्रैक्शन लाए कि जिससे कि वो बच्चे उसको करना चाहें, और एक रूटीन में रखें कि इतने से इतने बजे ही बच्चे ड्राइंग करते हैं, तो हम शायद भूल जाएं लेकिन बच्चों को याद रहता है कि इस टाइम पे मुझे ड्राइंग करनी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और इस सीरीज़ में आगे भी मैं वीडियो लाता रहूँगा। तो और आपके कुछ सजेशन भी हो, आप कुछ और देखना चाहते हैं तो मुझे बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।